कन्हैया कुमार का नाम राजनीति में नया नहीं है पिछली बार वाम दल की तरफ से वो बिहार से चुनाव लड़े थे इस बार कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ दिखे और अब दिल्ली से वो मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है कन्हैया कुमार हमारे साथ है बात करने के लिए कन्हैया सबसे पहले शुक्रिया टाइम्स नाउ नव भारत से बात करने के लिए आ, लड़ाई मनोज तिवारी से लेकिन एक लड़ाई घर के अंदर भी बड़े नेताओं से उनकी नाराजगी से संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे और कहीं ना कहीं वो क्लेम कर रहे थे इस सीट से उनकी तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है कहा जा रहा है कि प्रचार के लिए नेता नहीं आएंगे इस तरह की भी बातें कही जा रही है कैसे कन्हैया कुमार इस तमाम चीजों को टैकल करेंगे देखिए सबसे पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है कोई नाराजगी वाली बात नहीं है और जब आप बड़े दल के सदस्य होते हैं तो हर एक सीट पे जो है ना कई दावेदार होते हैं कई सारे लोग जो है आ, उस पर दावेदारी करते हैं फाइनली पार्टी जिनको टिकट दे देती है जिनको उम्मीदवार उम्मीदवार बना देती है जिनको सिंबल दे देती है वो उम्मीदवार होते हैं फिर सारे लोग जो है उसका उसके साथ काम करते हैं उसके साथ जो है जो है प्रचार करते हैं चुनाव लड़ते हैं तो नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है कोई चुनौती नहीं है स्वाभाविक रूप से दिल्ली जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन रहा है यहाँ पे पंद्रह साल जो है सरकार रही है अभी जो है केजरीवाल जी से ठीक पहले तो स्वाभाविक रूप से संगठन है और संगठन में जो लोग हैं वो जो है उनकी दावेदारी भी होती है उनके जो है ख्वाहिश भी होती है ये अच्छी बात है इसमें कोई बुरी बात नहीं है और नाराजगी जैसी कोई चीज किसी ने मेरे सामने तो व्यक्त नहीं किया है उम्मीदवार जो बार बार कहा जाता है एक बहुत पहले से हम लोग भी क्योंकि कवर करते रहे और ये एक कोई भी बाहरी उम्मीदवार जब आता है तो उसके लिए ये शब्द यूज कर लिया देखिए जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे थे ना आपने बड़ी एक अच्छी बात कही की पिछली बार आप बेगूसराय से बाम दल के उम्मीदवार है देखिए बड़ा सुखद संयोग है कि पिछली बार हम जिन जिन दलों के जो है समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे अभी वो सब इंडिया के पार्ट है और इस बार जो है मैं इंडिया का प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ये तो अच्छी बात है हमने तो किसी को छोड़ा नहीं है मुझे तो लगता है कि छोटी छोटी नदियां जो है ना जुड़ करके जो है जनता के उम्मीदों का महासागर का रूप ले रहा है तो इसमें कोई अंतर्विरोध वाली बात नहीं इसीलिए हमने कहा कि कोई नेता अगर टिकट मांग रहे हैं तो ये अच्छी बात है रही बात बाहरी कहने की तो ये कौन सा कौन सी नई बात है आप भी बिहार से हैं बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो जो है अपने ही देश में बिहारियों को बाहरी कहा जाता है ये कोई नई बात नहीं है और चूंकि मैं अपने जो जीवन का जो कुल आयु है उससे ज्यादा तो जिंदगी नहीं जी लूंगा ना तो मैं जितना जी पाया हूँ बिहार में पैदा हुआ बिहार में शुरुआती पढ़ाई लिखाई की उसके बाद जो है पढ़ने के लिए दिल्ली आया और उसी उसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही जो है आकर के रहता था यू की तैयारी के लिए नेहरू बिहार में रहता था उसके बाद जो है जे में एडमिशन हुआ फिर जे में गए तो दो से जो है बिहार में रह रहे हैं तो फिर यहाँ से भी जब बेगूसराय गए थे तो लोगों ने कहा था कि दिल्ली से आए हैं अब जो है दिल्ली लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिहार से आए हैं तो ये जब आप देश की राजनीति करते हैं राष्ट्रीय राजनीति करते हैं तो ये बात कही जाती है लेकिन ये बात जो है ना कोई चुनौती नहीं है और खास करके बिहारी होने के नाते तो बिल्कुल भी चुनौती नहीं है आप भी बिहार से मैं भी बिहार से तो बिहार की राजनीति जो है वो हर राज्य की राजनीति से बहुत दिलचस्प होती है दिखते दोस्त हैं लेकिन अंदर अंदर से दुश्मनी भी होती है कुछ ऐसा ही तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है पूर्णिया में जो हुआ पप्पू यादव के साथ वो कह रहे बीमा भारती को अगर नहीं जिता सकते कल उन्होंने रैली की कही उनको नहीं जिता सकते तो एनडीए को जिता दी ये कैसी दोस्ती है ये कैसा इंडिया गठबंधन है पप्पू यादव मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसी बात नहीं कही होगी मैंने सुना नहीं है मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहने की कोशिश की अभी तो एक नाराजगी उनको लगता है कि आप उनसे ऊपर होंगे इसी यही वजह है कि आपको इधर शिफ्ट कर दिया गया हम कैसे जो है देखिए वो तो विपक्ष के नेता हैं अभी जो है कुछ दिन पहले ही वो जो है डिप्टी सीएम थे मैं तो जो है एक जो है मुखिया का भी चुनाव नहीं जीता हूं तो हमारा और उनका कोई कंपेरिजन कम नहीं है कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं है उनकी अपनी पार्टी है, तो है कन्हैया में कि कन्हैया से बड़े बड़े नेता भी डरते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ इसमें कोई बात और मेरे ख्याल से जो बयान की आप बात कर रहे हैं ना उनका कहने का मतलब होगा कि लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए की है वो इस भाव से शायद बोल रहे हूँ यादव के साथ भी तो गलत हुआ ना पार्टी को विलय करा लिया टिकट कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई आपकी सीट भी कांग्रेस अलायंस में ले नहीं पाई आरजेडी से तो ये किस तरह का मतलब ये आपको नहीं लगता है कि अलग तरह का गठबंधन है रिश्ते समझ नहीं आ रहे कहीं नफरत कहीं प्यार अच्छा जो कब जब कई सारे लोग आ करके बैठते हैं ना तो सामंजस्य में जो है थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें होती हैं लेकिन पूरा जो है इंडिया अलायंस साथ में है एकजुट हैं और हमारा जो मुद्दा है देश के लोगों के लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान का उन मुद्दों को हम जमीन पे कैसे जो है लागू कर सकें उन सपनों को कैसे हकीकत का रूप दे सकें इस पर ध्यान दे रहे हैं और चुनाव के दौरान किसी की उम्मीदवारी यहाँ से होना किसी की अपेक्षा वहाँ से होना ये चुनाव के पूर्व में ये सारी चीज़ें होती हैं रही बात कांग्रेस पार्टी का किसी व्यक्ति के साथ गलत करने का देखिए कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करती है बड़ी पार्टी है और मेरे ख्याल से चुनाव लड़ना एक जिम्मेवारी होती है चुनाव लड़ाना भी एक जिम्मेवारी होती है प्रचार करना भी एक जिम्मेवारी होती है पैम्फलेट लिखना भी एक जिम्मेवारी होती है सभाएं करना रैलियों में लोगों को लेकर के आना घर घर जो है अपने मुद्दे लेकर के जाना उम्मीदवार एक होता है लेकिन चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेवारी जिसको भी जहाँ भी दे उसको उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए हर कोई जो है वो प्रत्याशी बन जाए ये संभव नहीं हो पाता है हो सकता है कि आ, मैं भी प्रत्याशी नहीं बन पाता तो मैं भी जो है मैं जब मेरे मेरे कैंडिडेटर की जब घोषणा हुई तो मैं महाराष्ट्र में जो है किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहा था मैं मंच पे था मैं भाषण दे रहा था तो उस वक्त मैं कैंपेनर के रोल में था कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गलत नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ करके चलती है ये खासियत है इस पार्टी कम्पलीट बनाना भी एक जिम्मेदारी होती घोषणा पत्र बनाना भी एक जिम्मेदारी होती है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह घोषणा पत्र बहुत वायरल हो रहा है या ये कहें कि चर्चाएं उस पर बहुत हो रही है प्रधानमंत्री उस पर बयान दे रहे हैं वो पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग आ, का जिक्र किया गया है उनका है ये घोषणा पत्र फिर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो नजर है वो महिलाओं के मंगल सूत्र पर है क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो अल्पसंख्यकों को घुसपैठियों को ये तमाम संपत्तियां दे देंगे अव्वल तो मैं जो है ना प्रधानमंत्री की इस तरह की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ आपने सवाल पूछ दिया है तो मैं प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं कि आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा मैं आपको इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तो कांग्रेस पार्टी की नैतिक जीत है कि प्रधानमंत्री जी दस साल से प्रधानमंत्री हैं कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पास अपनी घोषणा पत्र पे बात करने के लिए कुछ नहीं है वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो आप मानसिकता समझिए और इसीलिए रामायण में लिखा हुआ है ना जाको रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तीन कैसे नहीं है कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिनका जो स्वभाव है उनको वो दिखाई देगा ठीक है आपको मालूम है कि आ, सोच और समझ से इतर जो है ना लोग बात नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए एक शानदार कार्यक्रम लेकर के आई है जिस पर देश आगे चलेगा और देश के सभी वर्ग के लोगों की तरक्की होगी सबके साथ जो है न्याय सुनिश्चित किया गया जाएगा सब वर्गों का ख्याल रखा है एक बात मुझे बताइए कि क्या इस देश में महिलाओं को एक लाख रुपया देना ये गलत बात है क्या इस देश में जिसके पास जो डिग्री है उसको जो है अप्रेंटिस योजना के तहत जो है एक लाख रुपए हर साल देना ये गलत बात है क्या इस देश में किसानों के का जो एम का अधिकार है बुनियादी अधिकार है उसको कानूनी रूप देना गलत बात है तो बात ये सब कहा से उठ रही है फिर जब इतनी चीजें महिलाओं को आ, आ, समाहित करने की बात हो रही है ये रोजगार की बात जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती है उनको रोजगार देने की बात कह रही उल्टे उल्टे तो मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को जब हम एक लाख रुपया देंगे तो वो मंगल सूत्र बनाएंगी और सबके लिए सभी वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सिर्फ एक वर्ग की नहीं सभी वर्ग की बात की गई हमने कहा कि महिलाओं नहीं, को नहीं, हम करके, करके एक वर्ग को और अल्पसंख्यक कहकर के दूसरे वर्ग को भी तो टारगेट किया नहीं वही हम कह रहे हैं कि जब हम आपको पैसा दे दिए सरकार की तरफ से और आ, आपका पैसा ही आपको दे रहे हैं जनता का पैसा है वो सरकार जो काम भी करती है वो जनता के टैक्स के पैसे से करती है प्रधानमंत्री के जो बड़े बड़े बैनर लगते हैं ना वो जनता का पैसा है जो प्रचार हो रहा है वो जनता का पैसा है तो कोई अपने घर से नहीं देता है वो जनता का ही पैसा है जो हम जनता को वापस करने की बात कर रहे हैं और सबकी सभी सब सब वर्ग की आपकी यही सरलता और हर सवाल का जवाब किस तरह से देना है ये कन्हैया कुमार से ज्यादा नहीं जानता है कोई ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यू को आपके तमाम भाषणों को बहुत करीब से देखा क्योंकि एक बिहार कनेक्शन भी कहीं ना कहीं वो आपको जोड़ता है मुझे याद है एक इंटरव्यू आपका जब आप बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे आपने अपने घर में इंटरव्यू दिया था परिवार से मिलवाया था क्या उसी सादगी के साथ कन्हैया कुमार यहाँ दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी दिखेंगे क्योंकि सामने मनोज तिवारी है किस तरह से कन्हैया दूसरी दूसरा चुनाव अगर हारते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल करियर पे भी ब्रेक लग सकता है एक तो राजनीति मेरे लिए करियर नहीं है एक संघर्ष है इसीलिए जो है मैं कैरियर के हिसाब से कोई फैसले नहीं लेता हूँ मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ राजनीतिक सोच समझ है और वो राजनीतिक सोच समझ जो है मेरे अनुभवों से बना है मुझे गरीबी के बारे में जो है किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमने वो जी है हमने आपको कहा कि ये ये संयोग ही है ना जब हम 2016 में किताब लिख रहे थे तब तो नहीं पता था कि हम दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे कोई आइडिया आप में से किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था तो हमने तब जो है अपने नेहरू बिहार के दिनों को लिखा तो मैं जो कहता हूँ ना वो सच है और मेरी माँ अक्सर कहती है देखो सच और झूठ का ना एक बुनियादी फर्क होता है झूठ को ना बार बार याद करना पड़ता है और वो बार बार जो है ना जितनी बार बोलोगे उतनी बार वो अलग बोलोगे सच को कहें उसको याद करने की जरूरत नहीं वो तुम पे बीता है तुम उसको जो है जिए हो तो तुमको सपने में भी कोई पूछेगा ना बेहोशी में भी पूछेगा तब भी जो सच सच रहता है तुम्हारी तो के लिए एक अच्छी और एक ऐसी सच्ची बात सच्ची बात कैसे काउंटर कीजिए क्योंकि मानिए या नहीं मानिए दो बार के सांसद है इस बार दिल्ली में बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए हैं सबके टिकट काटे मनोज तिवारी इकलौते जिनको टिकट बीजेपी ने दिया है कहीं ना कहीं भरोसा बीजेपी को भी है की जीत कर आएंगे अच्छे अच्छे अच्छी बात किसी भी इंसान के अंदर होती है और कुछ बुराइयां भी होती है मैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्वभाव नहीं है उनके अंदर की बुराइयों को देखना तो मैं बुराई देखता ही नहीं हूँ मुझे जब भी कोई उनके बारे में पूछता है मैं अच्छी बात कहता हूँ स्वीट आदमी है तो कभी जो है उस तरह की भाषा नहीं बोलते तो हैं तो कहते हैं आपको पहचानते भी नहीं। हाँ ठीक है हमको क्यों पहचानेंगे वो बड़े आदमी हैं बड़े स्टार हैं मैं साधारण आदमी हूँ साधारण लड़का हूँ मैंने जो है मेरे पास कोई स्टार्टम नहीं है तो हो सकता है कि मुझे नहीं पहचानते हूँ स्वाभाविक हो सकता है चुनावी अब जो कैंपेन है अब आपका शुरू होगा कौन कौन से मुद्दे होंगे किस तरह से क्योंकि मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि मनोज तिवारी सामने है तो उनको हराना और खुद को खुद की जीत हासिल करने के लिए उनको हराना पड़ेगा देखिए हार और जीत उनका फैसला जो है जनता करेगी मेरी और हार जीत का फैसला भी जनता करेगी सब कुछ जनता के हाथ में होता है जनता जो है वो 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 जो है लोकतंत्र में सबसे जो है बुनियादी चीज है वही तय करेंगे जहाँ तक मुद्दों की सवाल है तो मेरा ये है कि जो कांग्रेस पार्टी गारंटी लेकर के आई है उन गारंटियों को जो है घर घर पहुंचाना है और हमारे पास जो सकारात्मक एजेंडा है उस क्षेत्र के विकास के लिए उस देश उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम उसको लेकर के जाएंगे अपना एजेंडा लेकर के जाएंगे और मेरे ख्याल से मनोज जी को भी जो है उस क्षेत्र में उन्होंने दस साल में उन्होंने क्या काम किया है कितने जो है उनके उद्घाटन के सिलापट लगे हुए हैं कितने पत्थर लगे हुए हैं कितनी सड़कें उन्होंने बनाई है कितना लाइट लगवाया कितने ब्रिज बनवाए हैं कितने स्कूल खोले कितने अस्पताल खोले ये वो जनता को बताएंगे तो लड़ाई जो है संघर्ष राम जी पर गीत भी गाया उन्होंने एक उनकी यूएसपी है तो वो उसको भी हो सकता है प्रचार में बुनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है जब उन्होंने राम जी पे गीत गाया है तो जो है जब लोग राम जी की पूजा करेंगे तो वो गीत बजा करके जो है भजन सुनेंगे उसमें देखिए किसी व्यक्ति के प्रोफेशन पे क्या टिकटा टिप्पणी करना है वो उनका काम है उनका पेशा है वो गायक है वो गाते हैं मुझे उस उनके पैसे पे जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है वो बतौर सांसद क्या किए हैं कितना बार वो पार्लियामेंट गए हैं उनका अटेंडेंस कितना है जो सांसद निधि है उसको कितना खर्च किया है जो वो नंबर गिना रहे हैं वो उस नंबर को हम जमीन पे ढूंढने का प्रयास करेंगे कि किस किस सड़क पे जो है मनोज तिवारी जी का नाम है कितना लाइट जो है मनोज तिवारी जी ने लगवाया है कितने सामुदायिक भवन बनवाए हैं कितना जो है अस्पताल बनाया है हम वो देखेंगे कोई गाना गाता है गाता है इसमें क्या दिक्कत है ये दो दो और सवाल है एक सवाल बिहार से फिर जुड़ा हुआ क्योंकि कहते हैं जो बिहारी है वो हमेशा बिहारी रहता है वो कहीं भी चला जाए वो देश में कहीं चला जाए वो विदेश चला जाए लेकिन अपने भूमि को अपने जमीन को वो हमेशा याद रखता है राजनीति यहाँ दिल्ली से आप करेंगे लेकिन बिहार कहीं ना कहीं कोने में आपके है कभी मौका मिला कभी आपको लगता है कि एक बार फिर राजनीति में वापसी बिहार की तरफ या आरजेडी ने ब्लॉक कर दिया आपको वापसी तो तब होगी ना जब हम कहीं जाएंगे मैंने यही आपको कहा वापसी तब होती है ना जब आप कहीं जाते हैं हम तो वही हैं हमारा एग्जिस्टेंस वही है हमारी लड़ाई वही है हमारा संघर्ष वही है अब आप ही ने सवाल पूछा ना कि लोग बाहर ही कह रहे हैं तो मेरी पहचान तो मुझे लोग याद दिला दे रहे हैं और रही बात आ, आ, मुद्दों की मुद्दा तो देखिए पूरा देश का मुद्दा वही है बिहार का भी मुद्दा वही है दिल्ली का भी मुद्दा वही है दिल्ली में भी नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में भी नहीं मिल रहा है पहले तो बिहार के लोग रोजगार के लिए दिल्ली आते थे अब तो दिल्ली में भी रोजगार नहीं मिल रहा है जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा हो गई है तो मेरे ख्याल से इस देश के आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढना ये राजनीति का काम होना चाहिए अपना कैरियर खुद को नेता बनाना पैसा कमाना मेरे ख्याल से उसके लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए और मुझे तो उसके लिए बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी है उसके लिए जिसको राजनीति करना होगा उसके लिए तो सबसे अच्छा विकल्प आजकल भाजपा है एक अंतिम सवाल आपसे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है क्योंकि आप बिहार की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी बात हो रही है कहा जा रहा है कि एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए और स, तमाम कांग्रेसी वहां के कार्यकर्ता वहां के नेता यहां तक कि कई वरिष्ठ नेताओं का भी कहना है कि राहुल गांधी को लड़ना चाहिए कन्हैया कुमार को क्या लगता है देखिये मेरे ख्याल से कोई कहीं भी चुनाव लड़े जो चुनाव लड़े तो ये सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्र में जो है अच्छे अस्पताल हों राहुल जी जब अमेठी थे तब भी अस्पताल बनाया अमेठी में भी अब जब वायनाड गए हैं तो वहाँ भी बहुत शानदार अस्पतालें बन रहे हैं मैं कहता हूँ कि ये प्राथमिकता होनी चाहिए राजनीति जो आजकल व्यक्ति केंद्रित हो गई है ना वो उन्होंने विकास किया जब वो सांसद बनी नहीं अब देखिए अब दावों का क्या है अब तो आप चाहें तो जो है उन दावों का हकीकत जाकर के देख सकते हैं आप चाहें तो दोनों जगह चले जाए वहाँ भी चले जाए यहाँ भी चले जाए और पांच साल में वायनाड में राहुल जी ने कितना काम किया है और अमेठी में पांच साल में स्मृति जी ने कितना काम किया उसकी तुलना कर लें झूठ और दावा का तो कोई मतलब सिर पैर नहीं होता है ना हकीकत यह है कि जहाँ नेता जाकर के चुनाव लड़ें तो वो उस क्षेत्र की आवाज बन सके पार्लियामेंट में जाकर के अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकें और सरकार को अगर सरकार अपनी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तब भी सरकार को मजबूर कर सकें कि आप जो है हमारे क्षेत्र का विकास कीजिए सभी मंत्रियों से फंड लेकर के वहां अपने क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकें यह जो है राजनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए तो कन्हैया कुमार हमारे साथ खास बातचीत में और बेबाकी तरीके से अपने सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि आ, कोई निजी टिप्पणी मनोज तिवारी पर वो नहीं करेंगे लेकिन हाँ ये जरूर पूछेंगे कि इन दस सालों में उन्होंने आ, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है उसके लिए क्या काम किया क्या, क्या विकास के काम किए किस तरह की योजनाएं जो थी वो उन्होंने पूरी करी तो ये तमाम चीजें और बिहार के संदर्भ में भी उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझ किसी के साथ बुरा नहीं करती पप्पू यादव के संदर्भ में कहा उन्होंने कहा कि उनका दिल बिहार में है और वो बिहार से कभी गए ही नहीं इसलिए वापसी का कोई सवाल ही नहीं होता है फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इटी नाउ स्वदेश